नहीं दोस्तों, ये इनोवा डेयरी पहले भी बनाई, कल भी, तो आज फिर इस बार साहीवाल। लेकिन इस बार साहीवाल जो है आंखों को चौंधाने वाली है। हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि बहुत अच्छी साहीवाल दिखा रहे हैं, कहते हैं कि हमने साहीवाल का काम शुरू करना है। तो हमने पूछा कि उसमें तो मुनाफा कम होगा, कहते हैं लेकिन मुनाफा बेशक कम हो लेकिन लोगों की आशीषें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि जो लोग दूध पी करके तंदुरुस्त होंगे, बीमारियों से बचेंगे, डॉक्टरों से पैसे बचेंगे, तो वो दुआ देंगे इनको। उस पैसे में से इनको कुछ नहीं देंगे लेकिन दुआ जरूर दे देंगे। अपने साहिवाल कुछ क्रॉस में चली गई, थोड़ा सा क्रॉस में है। देखो जी, प्योर तो मिलती नहीं जी साहीवाल। ये कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड की है जी। सेकंड की। हाँ जी, पहले पहले में कितना दूध दे गई? में इसने 10-11 लीटर दूध निकाला है। अच्छा, हाँ जी, 10-11 में। अब कितना दे देगी? अब ये निकालेगी 14-13, 14-13, 14। 10-11 ही मान ले। और 12 भी, 10-11-12 लीटर दाम क्या साहीवाल है? का दूध दे दे तो बहुत है। दाम क्या है? दाम अंकल जी इसका 65,000। 65,000। 65,000 बताया सीमेंट कहाँ का है? करनाल NDRI का सीमेंट लगा हुआ इंडिया है। राय का। NDRI, अच्छा तैयार किया उन्होंने भी। हाँ अच्छा, 65 में दोगे? 65,000 61 में? नहीं, नहीं, 65,000 जी 65 ज्यादा है, नहीं, ज्यादा नहीं दूध अंकल जी। तो 10 लीटर ही है। पर अंकल जी इसका तो दूध थोड़ी है जी, हाँ, अमृत है। अब मान दूध लो। के लेने तो अच्छा फलो, तो अमृत है हाँ, जी। देखो तो इसका दूध भी महंगा बिकेगा। तो अंकल जी, हमने तो बेचना नहीं दूध, जिसने बेचना उसको पता होगा। एक हम हमें तो वीडियो जो भी इसका दूध होता है अपने घर ही ले जाते हैं, हम वीडियो तो बना बेचते नहीं रहे जी वीडियो इसका। बना रहे थे, कहते हम शहर में बेच रहे थे ना, बोतल रखी हुई है, पूरे बैग बनाए हुए हैं, भर करके देते थे वो। कहते कि लोग कहते समझते नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी बात थोड़ा समझेंगे, और उन्होंने कोरोना से भी तो बचना है, और कोरोना से तभी बचेंगे खुद जहर खाएंगे। तो वो उसके जरूरी है कि HF का पीना। अंकल जी, हमने एक चंडीगढ़ में फार्म खुलवाया था, आज से 3-4 साल ना हो उनके पास 50 गाय साहीवाल करी थी। उनका दूध 150 रुपये लीटर बिकता था। हाँ, बिकता है बोतलों में पैकिंग हमारे करते सरहंद थे, में भी 125 बिकता है। बोतलों में पैकिंग था, उससे दूध लेते जो थे। लोग चंडीगढ़ में, जानकार हैं, चंडीगढ़ में सप्लाई होता था जो लोग उनको। जानकार हैं इसके गुणों को जानते हैं, वो एक बार जिसने मतलब इसका कर लिया तो वो इसी का पियेंगे। अब ये साहिवाल में फर्स्ट की बची है जी, प्योर साहिवाल में जी। कितने दांत हैं? दो दांत है जी अंकल। दो दांत से आगे बढ़ रही है, हाँ जी, बहुत कम उम्र है। हाँ, छोटी उम्र की ये कब तक ब्याएगी है? 10-12 दिन, बस 10 बार? 15 दिन पहली बार? के अंदर अंदर बच्चा दे देगी। ये आप इसको प्यार ना करो करो, लेकिन ये आपको ज्यादा प्यार करेगी, बिल्कुल करेगी, और इसकी आदतें आपको मजबूर कर देंगी प्यार करने को। बिल्कुल जी। लोग कहते हैं ना, जब आप अपने बेटे बेटियों से अलग होते हैं, माँ बाप से अलग होते हैं, रोते हैं, और ये उससे अधिक ये विलाप करती है। एक मेरा दोस्त था, तो मैं अपनी माँ के पास बीच में नहीं रहता था, मैं यूपी में था, मेरी माँ गांव में थी पंजाब में। तो उसको हमारे पास आने के लिए जरूरी था कि गाय किसी को देके आती। उसने अपनी एक सहेली को गाय दी तो छोड़ के आ रही थी। तो हमारे दोस्त ने बताया, कहता कि वो मेरी माँ को मौसी कहता था, कहता वो भी खूब रो रही थी, और कहता गाय के भी आंखों से उतने आंसू आ रहे थे। ये तो एक देसी से 36 देवी देवताओं का रूप है, 36 देवी देवताओं का रूप है इनके अंदर। कितना दूध दे देगी? दूध भी 10-12 लीटर अंकल दाम जी। क्या होगा? दाम अंकल जी इसका 65,000। इसका इस पे हम किंतु परंतु नहीं करेंगे, 65,000 खुद ही सही बोल दो। जनमन, जनमन बोलो इसका 60 दाम में? नहीं, 65,000। चलो भाई, लाग ले लिया। बाकी जो होगा उसका मान सम्मान जरूर करेंगे। ये सबसे उनसे भी बेहतर है, हाँ, कपीला है जी ये, कपीला। ये बहुत कम मिलती है जी देखने को भी। बहुत आदरणीय, अच्छे, बहुत पूजनीय अच्छे है, गाय हैं, पूजनीय है। बहुत अच्छे गाय हैं। कितने दूध और वाली है दूध अंकल जी, ये इन्होंने दूध तो ये देना 12-15 लीटर जी। ये? कहने कहने कौन भी कह दे 18 ब्यांत देंगे, कौन बीस सी है? देंगे। ब्याज सेकंड है जी, गुण है सारे साहिवाल वाले? सारे साहिवाल के गुण हैं तो माँ को भी बेचोगे? अंकल जी। सारी माया किस किस को घर रखेंगे। जहां जाओगे वहां भी माँ ही बनेगी? बिल्कुल जी, वहां भी माए बनेगी जी, दूध पिलाएंगे कर्म वाले जी। 60,000 दे दोगे? ये नहीं, ये देखें अंकल जी, 68,000, ये दाम सिक्सटी ऊंचा एट क्यों बोल रहे हो? सिक्सटी एट जैसे गुस्सा आई। है किसी पे नहीं क्या? अंकल जी, जैसे आई है वैसे करेंगे तो जी, कम करो ना। कम नुकसान हो जाएगा अपना तो। कितना 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 कम साठ की करो? तो अपनी भी खरीद लेंगे कितना जी, कम करोगे? 1,000-2,000 मान सम्मान करेंगे। 65 में? ठीक वाली आ गई। हाँ जी, तो थार पार कराएगी, बहुत अच्छी बची है कितनी जी। उम्र की है? ये लगभग हो गई 1.5 साल के तो आसपास, ऑर्डर तो है नहीं इसमें, 1.5 साल के आसपास की। 1.5 साल की है, डेढ़ साल 18-19 महीने की? नहीं, अभी नहीं कराई।
अच्छा, अभी नहीं कराई, अभी 18-19 की है, 18-19 महीने की है, 2 साल की हो जाएगी उसके 2 साल बाद भी फिर कराओगे। फिर कराई। वैसे तो दो ढाई 3 साल पे कराते हैं लोग, नहीं जैसे हमने सेवा अच्छी करेगी तो इसकी 2 साल भी खूब हो पली जाती है, हुई कोई है, दिक्कत वो तो नहीं। बछड़ा लगती है एकदम। नहीं बच्ची है जी, बहुत प्यारी बच्ची है, क्या दाम होगा इसका? ये नहीं बेचते, नहीं बेचेंगे? नहीं नहीं, अगर किसी ने लेनी होगी तो क्या दाम में मिलेगी? जितने की बिकी बिक जाएगी इसके 10 माही काट देंगे जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ भैया, नहीं। अगर कोई लेने जाए इस तरीके की होगी, कितने की मिलेगी? 35-40 हज़ार 35,000 इतने की? कितना मतलब दूध दूध दे देगी? 5-6 लीटर हाँ 10 लीटर के आसपास, आराम से दे हाँ 8-10 लीटर दे देगी एक टाइम का, पाँच चार बिल्कुल पाँच शरीफ लीटर है जी, जैसे मर्जी ऊपर नीचे हाथ मार लो कुछ नहीं कहते। चलो ले अगले ले। आज तो ऐसा लगता है तुमने देवी देवता उतार दिया हमें। ये भी बैल लगती है? नहीं ये भी फर्स्ट किया बचिया है जी, ये अच्छा, ये बेड़ रंग इनका बदल भी जाता है, नहीं ऐसे व्हाइट रहता ऐसी है जी, व्हाइट ही थोड़ा रहेगा, सर्दियों में चेंज होता है चेंज हो जैसे, जाता है, सर्दियों में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, काल्स पे आ जाता है। हाँ रेड शेड ही जाती है थोड़ी। हाँ, ये कितनी उम्र की है? यही फर्स्ट की बची है जी, लगभग 2.5 साल के ये आसपास भी होगी, सिंह वाली है, ढाई हाँ साल की है, 2.5 साल के मतलब आसपास, जल्दी एआई होगी इसकी? हाँ यही होगी। ये तो 6 साढ़े 6 मंथ की प्रेग्नेंट भी है, तीन अच्छा, तो 3 महीने ले लेगी, महीने तो लेगी, कितना दूध होगा इसका? यही 10-12 लीटर दूध तो देती है इसका तीन महीने। दाम? दाम अंकल जी इसका होगा जी 85 हज़ार, तो वो तो तुम 35-40 की बता रहे हो, वो तो बची है जी अभी फीमेल का, तो जब दुगना ये दुगना कर दो, दुगने से जब भी अधिक कर दिया। जब ये अपनी तैयारी पे आएगी, जब बच्चा दे देगी उस टाइम 80-85 हज़ार भी ये आराम से दुगने बिक की भी जाएगी, अधिक कर दी तुमने। 80-85 हज़ार की आराम से बिक जाएगी, इसके लेने की इच्छुक बहुत है जी लोग। अब कितने बिक जाएगी? आज की हाजिरी में अगर इसको बेचो 60-65 हज़ार की आज भी बिक जाएगी, बिक जाएगी लेकिन इसको बेचेंगे ब्याही के बाद, कोई बयाने के होगा तो कोई बाद, ले जाएगा, बयाने के बाद नहीं तो मिलके, हम मिल्किंग करा के देंगे इसको फिर। चलो तीसरी लाओ। तुम हमको बहुत अच्छे लग रहे हो, कैसे अंकल जी हो, आइए जो चीज दिखा रहे हो, मेरे ये अंकल जी इनका तो शुरू से शौक था हमारे आप, को, ये इसका हमने वो चार पांच साल 6 साल बहुत काम किया जब इनका, ये दौड़ती है इसका गला ऐसे ऐसे करता है। ऐसे झालर हिलती है कितने दूध हमारी, वाली है? फर्स्ट किया जी 5-6 महीने की तीनों बैलों का प्रेगनेंसी धोखा डाल रही है। में, तो कितना दूध दे देगी? ये 10-12 लीटर, 10-12। तो कितना समय बाकी इसका? इसका भी 3 महीने है जी। तो ये तो कम लग रहा है कुछ, नहीं, 3 महीने इसका भी। तो दाम क्या होगा? अंकल जी इसका अब आपको मैं सोचा तो इसके 1,15,000-20,000 मिल रहे थे हमने दी नहीं, मगर अच्छा, हम बेचते नहीं इसको, हम घर रखेंगे इन तीनों 2 लाख की दे दोगे? हाँ, तीनों। अंकल ये दो बिक जाएंगे 2.5 लाख रुपए की, अच्छा, इतने लोग चाहवान हाँ है, इतने चाहो इसके, हाँ इतने भक्त हैं गायों के? अच्छा, ये तो दोनों बिक जाएंगे, 2.25 की 2.5 की, 2.25 की 2.5 की, आराम से बिक जाएंगे। आज तो हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार नहीं हैं, इनका जैसे तुमने शुक्र बहुत माता बढ़िया की देन बैल है जी, पाया। हम कौन है ठीक हूँ माता। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।